अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे अंडा करी, जिसके लिए हमने 250 ग्राम टमाटर लिया है और 150 ग्राम प्याज लिए हमने, और उसे ये टमाटर को हमने इस तरह से पीछे से चौक इस तरह से कट लगा दिया हमने। पूरे टमाटर को इस तरह से हमने काट दिया है, प्याज को रफली मोटी मोटी काट दिया है, और अंडे हमने छीन लिए हैं। आप जितने चाहे ले सकते हैं अंडे। और इमली हमने 60 ग्राम लिया है, इसको हमने गर्म पानी में भिगो के रखा है। इसके फिर हम इसका रस निकाल के इसमें डालेंगे। हमने 1.5 टेबल स्पून धनिया की बुकनी लिया है, 1/2 टी स्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टेबल स्पून गुड़ लगेगा हमें, और गार्निशिंग के लिए 1 टेबल स्पून कोथमीर, नमक टेस्ट के हिसाब से, और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्ची का पाउडर, और 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर, और हरी मिर्ची हम उसमें डालने के लिए, और ये बघार के लिए हमें 10-12 कड़ी पत्ता, 2-3 लहसुन की कलियाँ, और 3-4 लाल मिर्ची, और 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, ज़ीरा साबित ज़ीरा, और 1/2 टी स्पून रई, और 150 ग्राम तेल लगेगा जो हम पहले बघार में आधा डालेंगे और आधा ऊपर से जो बघार डालेंगे उसमें लगेगा। सबसे पहले हम इसमें जो तेल रखा था हमने उसमें से 2 टेबल स्पून तेल डालेंगे, क्योंकि हम बाद में बघार भी डालने वाले हैं, इसलिए हम कम तेल डाल रहे हैं। फिर उसके बाद हम इसमें ये पूरा ही रफली टमाटर पूरे डाल देंगे इस तरह से, ये प्याज वो सब इसमें एक साथ डाल देंगे। फिर उसके बाद इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने रखा था वो डाल देंगे, और ये लाल मिर्ची और हल्दी पाउडर ये भी डाल देंगे, और ये धनिया पाउडर हमने 1.5 टेबल स्पून लिया था तो ये भी इसको डाल देंगे, और ये ज़ीरा पाउडर भी डाल देंगे, और नमक टेस्ट के हिसाब से बाद में और चक्के डालेंगे। इसको अच्छी तरह से अच्छी तरह से मिला के इसमें थोड़ा हल्का सा भून लेंगे। फिर इसके बाद इसमें पानी डाल के कुकर लगा लेंगे। हम इसमें 1-2 से 3-3.5 कप पानी हमने डाला है इसमें, टोटल 1/2 लीटर पानी डाला है हमने, क्योंकि हम बाद में इसमें इमली का रस भी डालेंगे, तो इसलिए फिर अगर आपको बाद में पतला लगे या गाढ़ा लगे तो उसके हिसाब से डाल सकते हैं। अभी हम फिर इस कुकर को लगा देंगे। ये टमाटर और प्याज हमारे अच्छी तरह बॉईल हो चुके, गल चुके हैं ये। इसे हमने 2 से 3 सीटी होने तक बॉईल होने दिया। ये हमने टमाटर को इसलिए इस तरह साबित रहने दिया था ताकि ये इसके जो छिलके हैं टमाटर के, ये हम ये पूरे ठंडे होने के बाद इस तरह से इसे अधर निकाल देंगे। फिर इसके बाद हम इसे एक मिक्सी में डालकर पीस लेंगे। ये हमने पीस लिए था जो, और उसका पानी वो सब इसमें एक बगोने में डाल देंगे, और इसे 5 से 6 मिनट तक पकने देंगे। फिर उसमें हम जो इमली का रस रखा था वो भी डाल देंगे, अच्छी तरह से खंगाल के इमली का रस जो रखा था हमने
वो भी इसका रस निकाल के हमने डाल दिया है इसमें। और इसे 5 से 6 मिनट हम उबलने देंगे, पकने देंगे। ये हरी मिर्ची जो हमने रखी थी इसे कट लगा के इसमें डाल देंगे, और ये गुड़ जो हमने रखा था ये भी पूरा डाल देंगे। इससे बहुत टेस्टी बनती है, खट्टी मीठी बहुत मज़े की बनती है इससे। और बहनों कभी भी याद रखो, अगर आप कहीं घूमने गए हुए हैं तो आपको पकाने के लिए अगर लेट हो रहा है तो ये सबसे इजी और सबसे आसान और मज़ेदार कढ़ी है। ये बहुत जल्दी 10-15 मिनट में बन जाती है, तो बहुत टेस्टी और बहुत ही अच्छी बनती है। तो ज़रूर ट्राई करें आप अपने घर पर, और मुझे ज़रूर बोले कैसी बनी थी। ये 4-5 मिनट से हमारी ये बॉईल हो चुकी है, अच्छे से करी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम गैस को बुझा देंगे। अब इसे हम एक सर्विंग बाउल में निकाल कर उस पर तड़का डालेंगे, ऐसा थोड़ा ऐसा। अब इसमें हम ये जो बॉईल करे थे हमने अंडे, वो एक के बाद एक इसमें डाल देंगे इस तरह से। इसको आने बस इस तरह हम इसमें ये जो अंडे रखे थे ये पूरे एक के बाद एक डाल देंगे, और ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे। और अभी इसमें हम बगार डालने वाले हैं, अब इसके बाद हम इसमें बगार डालेंगे। सबसे पहले हम पैन में ये तेल डाल देंगे, इसके बाद सबसे पहले इसमें लहसुन, फिर ये जीरा, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, सब एक साथ डाल दें। गोल्डन ब्राउन होकर फ्राई करेंगे। ये अच्छी तरह से हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब इसे गैस को अब हम बंद कर देंगे, और ये हल्दी पाउडर डाल देंगे इसमें। अब ये तड़का हम जो हमारी कढ़ी है उस पर डाल देंगे। अब इस पर हम ये बगार डाल देंगे इस तरह से। अब हमने इसमें बगार डाल चुके हैं। लीजिए बहनों, हमारी ये अंडा करी तैयार है, जिसे आप सादे चावल या चपाती से खा सकते हैं।